प्यारे दोस्तों, कोरोना महामारी में आप अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे होंगे और उसी में यह आंधी तूफान का कहर। इसलिए हमने सोचा आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो क्यों ना हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड तूफानों के वाक्यात आपको घर में बैठे बैठे ही दिखा दें। इसलिए आपका भरोसेमंद चैनल फैक्टुअल टीवी आपके लेके आया ऐसी वीडियो। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का टाइटल है 5 मोस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट कॉट ऑन कैमरा। सुनामी बड़े पैमाने पर समुद्र के नीचे उठे भूकंप के कारण होता है, जो टकराव के समय बहुत तेज लहरों के साथ होता है। सुनामी समुद्र की लहरों का ही एक हिस्सा होता है। जमीन पर पानी का तेज रूप से गिरना भी सुनामी का कारण हो सकता है और ये जहां तक जाती हैं वहां तक मृत्यु का सैलाब लेके जाती हैं। वीडियो में दिख रहा होगा, यह वीडियो पृथ्वी पर वह स्थान है जहाँ विश्व की घनघोर सुनामी आई थी। यह वीडियो महासागर की है, इसे आग का वल्क भी कहा जाता है। यह देखने में न केवल बड़ी लहरें हैं बल्कि विनाशकारी तेज 500 मीटर प्रति घंटे की गति पर पहुंचने वाली लहरें हैं, या आप कह सकते हैं यह लगभग एक जट हवाई जहाज जितना तेज पूरे महासागर को पार कर सकते हैं। यह सुनामी केवल 5 मिनट में आपके पूरे गांव को खत्म कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब सुनामी की कड़कड़ाहट आपको सुनाई दे तो आप एक ऊंचे स्थान को सिलेक्ट करें और वहां से आप केवल यह देख सकते हैं कि सुनामी किस प्रकार आपके घरों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। आप यहां देख सकते हैं समुद्र तट पर यहां कुछ लोग वॉक कर रहे थे, तब यह सुनामी पूरे गांव को बहाते हुए कितनी तेज स्पीड से चली आ रही है और वहां बसे बीच किनारे घरों से टकराते हुए निकल जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो को देखिए। यह कोई मामूली स्टार नेटवर्क नहीं बल्कि एक विशाल का भयंकर टॉर्नेडो है। यह घटना 2021 की है। यहाँ एक टॉर्नेडो अलबामा और नजदीक के दो शहरों को तहस नहस कर डालता है और छोटे मोटे गांव में भी इसका तेज प्रभाव रहा। इसके बीच में आना मतलब मौत को दावत देना है। इस वाकयात में 64 लोगों की मौत हो गई और इतना ही नहीं 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी। यह देखने में कितना विशाल काय लग रहा है, आप भी देखिए। आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह टॉर्नेडो 2011 के सुपर प्रकोप का हिस्सा था। यह टॉर्नेडो हमारे इतिहास का सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला मूवमेंट था। इस टॉर्नेडो के कारण 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अधिक लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचे। इसे हम एक विशालकाय पवन राक्षस के नाम से भी जानते हैं। यह टॉर्नेडो 1.5 मिलियन चौड़ी और 190 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा प्राप्त कर रहा था। कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता यूं पल भर में क्या से क्या हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने 2 टॉर्नेडो आपको दिखा दिया, उसी वक्त ही घटी यह वाकयात भी देखिए। यह तीसरा टॉर्नेडो हमला हुआ। दोस्तों, यह 2 सप्ताह के भीतर तीसरी बार उठ रहा टॉर्नेडो है। दोस्तों, कोई भी इस टॉर्नेडो की उम्मीद नहीं कर रहा था। यह टॉर्नेडो कितनी बेरहमी से तबाही मचा दी जो कि आज तक लोग सही नहीं कर पाए। यह बहुत ही भयभीत कर देने वाला था जो कि आज तक कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ इसके बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। साथियों, कुछ पंछियों की आवाज हमें बहुत प्यारी लगती है और कुछ पंछियों की आवाज हमें बहुत इरिटेट करती है, लेकिन आज हम आपको इन सब चीजों से कुछ हटकर और कुछ अलग दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए। यह जो बन रही आकृति है यह और कुछ नहीं बल्कि हजारों पंछियों का एक समूह है। यह पंछियां एक साथ एक ग्रुप में चहचहाते हुए उड़ती हैं और आकाश में यह एक बड़ा काला आकृति बना लेती हैं। इन पंछियों को उड़ते देख लोगों के दिमाग में एक अलग तरीके का भ्रम पैदा होता है। लोगों को लगता है यह काला बादल उनका पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि जब यह पंछियां उड़ती हैं तो यह काफी आकर्षक दिखाई देती हैं। यह पंछियां शिकारियों से खुद को बचाने के लिए ऐसा करती हैं। यह सोचती हैं इस प्रकार हम सुरक्षित रहेंगे। यह ऐसा सर्द रातों की गर्मी के लिए भी करती हैं। कुछ मामलों में यह चौंका देने वाली होती हैं, क्योंकि इनका ग्रुप 1 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा रहेंगी उतना ज्यादा सेफ रहेंगी। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनकी संख्या 80% कम हो चुकी है। अब यह पहले की तरह नहीं दिखती और यह आश्चर्य नहीं कि पैराग्रीन पांच या फिर अन्य शिकारी है। प्यारे दोस्तों, इन पक्षियों को सेफ रखने का आपके पास कोई सलूशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा शहर को। यहाँ साल के 100 दिन तक कड़ी लाइटिंग और तेज बारिश, ओले आदि लगातार गिरते हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पानी और आंधी फ्लोरिडा में ही आती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग कितनी तेज हो रही है। क्या आप एक विनाशकारी बाढ़, ओले इतने दिन तक सह सकते हैं? यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। फ्लोरिडा पानी से घिरा हुआ है और यह भरपूर धूप भी ले लेता है, जिससे यहाँ पर हवाएं आसानी से एकत्रित होकर तेज रुख ले लेती हैं और यह एक विनाशकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति फ्लोरिडा में काफी दिनों तक चलती है। आपके क्षेत्र में तेज आंधी आने का खतरा दिखाई दे तो आप भी डर जाते होंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले का क्या हश्र होता होगा। यह पानी की बूंदें इतनी तेज होती हैं कि कांच भी तोड़ देती हैं। साथियों, अगर आप फ्लोरिडा जॉब के सिलसिले में चले जाएं और आपको कुछ ऐसा झेलना हुआ तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। कनाडा में रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे और विनम्र होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कनाडा में एक बर्फीला तूफान एक झटके में लगभग 30 फीट बर्फ गिरा सकता है। और यहाँ की हवाएं जब तूफान का रुख लेती हैं तो यह 90 मिली प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, और जिसके कारण यहाँ चलने वाली गाड़ियों का स्पीड स्लो हो जाता है। इस तूफान में यहाँ की हवाई यात्रा रद्द कर दी जाती है। कभी कभी तो बर्फीले तूफान के दौरान पास खड़े व्यक्ति को भी देख पाना मुश्किल होता है। और अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो बिना बर्फ को हटाए आप यहां से हिल नहीं सकते। और ये कभी कभी रोड पर चल रही गाड़ियों का टकराव का कारण भी बन जाती हैं। और कुछ गाड़ियां बर्फ जमने की वजह से लंबे समय तक खड़ी ही रह जाती हैं। सोचिए जरा, एक रात आप सोए और सुबह जब दरवाजा खोल रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ बर्फ ही बर्फ गिर जाए, ठीक आपके दरवाजे के सामने एक दीवार बन जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यही हश्र होता है कनाडा में। प्यारे दोस्तों अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, आपने हमें अपना बेहद कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।